वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल में गिवन है और हमें इसे जो है सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले ही ये बताया है कि जब हम लोग जो है टेम्परेचर को केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 273 को माइनस कर देते हैं। और अगर हम लोग जो है सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर देते हैं, प्लस 273 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम लोगों को 293 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन। ठीक, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टेम्परेचर कितना रहा होगा, ये 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू गिवन टेम्परेचर, जो हम लोगों को गिवन टेम्परेचर दिया गया है, माइनस 273। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हमें टेम्परेचर को जो है सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है और हमारा टेम्परेचर किस में गिवन है, केल्विन स्केल में गिवन है, तो जो भी हमारा टेम्परेचर गिवन होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, 273 को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 293 गिवन था तो हम लोगों ने क्या किया, 293 से 273 को माइनस कर दिया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमको 470 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू गिवन टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर गिवन है, माइनस 273 केल्विन। तो हमारा टेम्परेचर हमको कितना गिवन है, 470 गिवन है और ये माइनस कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है, तो ये भी हमारा केल्विन में, ये भी केल्विन में, तो हमारे पास अब आंसर किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो हमारे पास टेम्परेचर यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब हमारा टेम्परेचर हमको किस में गिवन है, सेल्सियस स्केल में गिवन है और हमें इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे। तो हमारा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल क्या हो जाएगा, केल्विन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर गिवन है, प्लस 273 केल्विन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या टेम्परेचर आ जाएगा, 25 प्लस 273। तो टेम्परेचर हमारा कितना होगा, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 538279 और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास टेम्परेचर आएगा केल्विन स्केल में 298 केल्विन और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमको 373 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा टेम्परेचर हम लोगों को केल्विन स्केल में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन टेम्परेचर में 273 केल्विन को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल में आ जाएगा। तो 373 प्लस 273 तो हमारे पास कितना आ जाएगी वैल्यू, 336 7714 का 1 कैरी हो जाएगा, 325 6। तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 646 केल्विन और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ पे रीजंस देने हैं कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारी नेप्थलीन बॉल्स होती हैं वो कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं, मीन्स वो गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं और कोई भी सॉलिड को अपने पीछे छोड़ती नहीं है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो दिस इज बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइमेशन। अब जो हमारी नेप्थलीन बॉल्स होती हैं ये किस प्रॉपर्टी को शो करती हैं, ये सबलाइमेशन नेचर को शो करती हैं। और हम लोगों ने जब सबलाइमेशन पढ़ा था
तो वहाँ पे ये देखा था कि सब्लाइमेशन एक हमारे मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जैसे ही हम अपने सॉलिड को थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पे नेप्थिलीन बॉल के साथ हो रही है। जैसे ही हम लोगों ने जो है नेप्थिलीन बॉल को थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड कराई, क्योंकि ये क्या है एक सब्लाइमेशन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने पीछे कोई भी सॉलिड का जो है मास लीव नहीं करेगा। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारे परफ्यूम की स्मेल होती है हम उसको बहुत दूर से जो है महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है हमको बता दो। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो परफ्यूम इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस। अब याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो परफ्यूम जनरली हमारा क्या होता है वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, मीन्स ये बहुत जल्दी एवोपोरेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा परफ्यूम होता है पहले तो ये लिक्विड होता है लेकिन जैसे ही हम लोग जो है इसको नेचर में छोड़ते हैं तो क्या होता है ये डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है नाउ ड्यू टू डिफ्यूजन, अब क्या होता है कि डिफ्यूजन की वजह से जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं और जो हमारे परफ्यूम के गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं, और इनके मिक्स करने की वजह से क्या होता है कि हम लोग बहुत दूर से भी जो है जो हमारे परफ्यूम की स्मेल होती है उसको फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन में क्या है हम लोगों को कुछ पार्टिकल्स दे दिए गए हैं और हमें जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे उनको अरेंज करना है। तो जब हम लोगों ने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होती है, सॉलिड के बीच होती है, फिर हमारे क्या आते हैं लिक्विड्स आते हैं और देन हमारे क्या आते हैं गैस आते हैं। तो यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑक्सीजन हमारी क्या है गैस है, वाटर हमारा क्या है लिक्विड है और शुगर हमारी क्या है सॉलिड है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी होगी, गैस की होगी। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा, देन हमारा क्या आएगा वाटर आएगा, क्योंकि हम लोगों को किस वे में अरेंज करना है हम लोगों को इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक। तो यहाँ पे देन हमारा क्या जाएगा वाटर आ जाएगा और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी होती है ये सॉलिड के पार्टिकल्स की होती है और शुगर हमारा क्या होता है ये सॉलिड नेचर को शो करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको वाटर की फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है, सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस में, फिर 0 डिग्री सेल्सियस में और फिर 100 डिग्री सेल्सियस में। तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा कि वाटर हमारा क्या होगा लिक्विड नेचर को शो करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा कि जो हमारा वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये सॉलिड नेचर को शो करेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कुछ वाटर के पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाते हैं गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ वाटर के पार्टिकल्स हमारे किस में रहते हैं लिक्विड में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको दो रीजंस दे दो कि वाटर जो है हमारा ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि जो हमारा वाटर है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो हमारे वाटर का टेम्परेचर होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है, मीन्स बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री में क्या होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका और ये क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मीन्स यहाँ पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसके बिटवीन देते हैं इसको टेम्परेचर तो ये किस में रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक। तो हमारे रूम का टेम्परेचर जनरली कैसा होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा वाटर है ये लिक्विड प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम, तो जो हमारा वाटर होगा इसकी वॉल्यूम कैसी होगी फिक्स होगी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो हमारा वाटर है ये फ्लूडिटी नेचर को शो करेगा, मींस ये बड़े आसानी से फ्लो कर जाएगा। अब हम लोग जो है सेकंड पार्ट को देखते हैं, एन आयरन अल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगेन हमको दो रीजन दे दो कि क्यों हमारी जो आयरन अलमीरा होती है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हमारा आयरन है ये सॉलिड प्रॉपर्टीज को इसलिए शो करता है क्योंकि जो हमारा आयरन होता है इसकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये जो है बड़े आसानी से फ्लो नहीं करता है, मींस ये रिजिड नेचर को शो करता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आयरन अलमीरा है ये रूम टेम्परेचर पे जो है सॉलिड नेचर को शो करता है। अब यार तुम लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक की अगर तुम लोगों ने जो है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है और पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के जो है आप लोग सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि बाद में आप लोगों को वीडियोस जो है मिल नहीं पाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारी आइस है और जो हमारा वाटर है अगर इन दोनों को हम लोग जो है 273 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो हमारी आइस होती है ये ज़्यादा कूलिंग नेचर को शो करती है। तो हमको ये बता दो कि आखिर जो आइस है ये क्यों ज़्यादा कूलिंग नेचर को शो कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो भाई हम लोगों ने दोनों में सेम ही दिया है, आइस को भी हम लोग 273 केल्विन दे रहे हैं और वाटर को भी हम लोग 273 केल्विन दे रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो बोथ आइस एंड वाटर आर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, देखो आइस और वाटर दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें जब मैंने आपको लेटेंट हीट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर है ये क्या रहता है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, मीन्स ये आइस की फॉर्म में रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जैसे जैसे इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे हम लोग इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये हमारे लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्या बोल रहा है कि 0 ही डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है कि हमारा वाटर जो है सॉलिड नेचर को भी शो कर रहा है और 0 ही डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है कि जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं अगर हम उसको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दें तो ये कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो इस हीट एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा लिक्विड है वो कम कूलिंग इफेक्ट को शो कर रहा है और जो हमारी आइस है, ठीक है, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है और इसके पास अगर कोई एनर्जी नहीं है तो ये ज़्यादा कूलिंग नेचर को शो करेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी आइस है और वाटर है इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर है ये एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को प्रोसेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर है इसके पास एनर्जी है तो जब इसके पास हीट एनर्जी है तो ये कम कूलिंग नेचर को शो करेगा, लेकिन हमारी जो आइस है इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट को शो करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग वाटर जो है ज़्यादा बर्न प्रोड्यूस करता है कि स्टीम ज़्यादा बर्न्स को प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था सेम क्वेश्चन हम लोग जो है क्वेश्चन 8 की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉइलिंग वाटर की बात करें और स्टीम की बात करें तो दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं। तो अगर आप लोग देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो वाटर है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, मींस ये बॉइल भी कर रहा होता है और ये गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी स्टीम है इसके पास क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो हमारा लिक्विड है अब जैसे ही इसकी स्टेट कन्वर्ट होगी तो जब हमारी स्टेट कन्वर्ट होती है तो ये जो हीट एनर्जी है सारी की सारी हीट एनर्जी जो है इसके जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कराने में लगती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्टीम है इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी होगी और जब इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी होगी तो क्या होगा कि ये वाटर से ज़्यादा बर्न करेगी। ठीक है, और ऐसा किस वजह से हो रहा है, तो ऐसा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से हो रहा है। तो आप लोगों ने लेटेंट हीट दो तरीके की पढ़ी थी, एक तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था तो वो आपका जो था क्वेश्चन नंबर 7 में यूज हो गया और ये हमारा क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में यूज हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस आपको ये याद रखना है कि जब लिक्विड जो है हमारा गैस में कन्वर्ट होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि
जो हीट एनर्जी है, ये सारी की सारी हीट एनर्जी जो है इसके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में जाती है। तो जो हमारी स्टीम होती है, भले ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, लेकिन इसके पास क्या होता है, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू हमारे बॉइलिंग वाटर के। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है, एक डायग्राम दे दिया गया है, और हमको बताना है कि ए बी सी डी और ई और एफ इनमें कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। तो इसको हम लोग जो है ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि सोली, अब सोली मीन्स क्या होगा कि जब हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मीन जब हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है, और या फिर ये मेल्टिंग कहलाता है। तो आप लोग इसको किस तरीके से याद रखोगे कि सोली ने गर्म चाय का फरमान किया, अब फरमान किया से क्या हो जाएगा, एफएम किया। तो यहां से आप लोग फिगर में देखिए कि जब हम लोगों ने सॉलिड को हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, फ्यूजन और मेल्टिंग। अब क्या होगा कि ये जो सोली है, इन्होंने गर्म चाय का फरमान तो कर दिया, लेकिन ये गर्म चाय का फरमान किससे करेंगे, भाई अपनी बीवी से करेंगे, ठीक है। तो इनकी बीवी का नाम क्या था, लीगा। तो लीगा मीन्स क्या होगा, लिक्विड, और जीए मीन्स क्या होगा, गैस। तो देखो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो देखो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, या तो बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ से कहानी किस तरीके से याद रखनी है कि सोली ने गर्म चाय का फरमान किया अपनी लीगा बीवी से, अब ये फरमान किससे करेगा, अपनी लीगल बीवी से करेगा, ठीक। अब जैसे ही उसने अपनी बीवी से फरमान किया तो उसकी बीवी को गुस्सा आ गई और उसने अपने पति के कान में क्या दे दी, गाली दे दी, ठीक। तो गा मीन्स क्या होगा, गैसेस, जीए मीन्स क्या होगा, गाली का वो कैसे याद रखना है, गैसेस, और एलआई मीन्स क्या हो जाएगा, लिक्विड, ठीक। तो जब गैसेस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कान का मीन्स के मीन्स कंडेंसेशन कहलाता है। तो जब हमारी गैस जो है, जब हमारी गैस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट करती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, कंडेंसेशन कहलाती हैं। तो आप इसको कंडेंसेशन की फॉर्म में याद रखेंगे कि सी पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसने गाली तो दे दी, अब जब गाली दे दी तो गाली जैसे ही देगी तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, और यहाँ पे भी क्या होगी, कूलिंग होगी, ठीक। लेकिन अब उसे माननी किसकी पड़ेगी, अपने हस्बैंड की ही माननी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो कहेगी ये लीजिए और सो जाइए फिर से। तो ली फॉर क्या हो जाएगा, लिक्विड, और सो फॉर क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो जब हमारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा होता है, क्योंकि भाई जब गाली दे देगी तो वो दिमाग ठंडा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब एक प्रोसेस को आपको बस ऐसे याद रखना है कि जब हमारे सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, और जब हमारे गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सब्लाइमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारे के सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये जो ट्रिक है या ये जो स्टोरी मैंने बनाई है ये आपको कैसी लगी। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, और आज के जो लेक्चर के नोट्स हैं, मीन्स ये जो क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स हैं, ये भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।